नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीआरडीओ का फुल फॉर्म, डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ में भर्ती कैसे ले, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, इसके साथ ही डीआरडीओ से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी देश की मजबूती और शक्ति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस देश की सैन्य और विज्ञान शक्ति कैसी है। देश तब और भी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत हो जाता है जब सैन्य शक्ति और विज्ञान शक्ति परस्पर सहयोगी आधार पर निर्मित करे। हमारे देश भारत में डीआरडीओ इसी आधार को मजबूत करने के लिए अग्रसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं डीआरडीओ की पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म। दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ को हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इसका फुल फॉर्म। अब जानते हैं कि डीआरडीओ आखिर है क्या। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक भारतीय संगठन है, भारत की डिफेंस पावर को मजबूत बनाने और भारतीय रक्षा अनुसंधान में उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान है। डीआरडीओ भारत की रक्षा शक्ति से संबंधित रिसर्च करती है और देश के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। यह विश्व स्तर के हथियार उपकरण के उत्पादन और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए भारत का चेहरा है। डीआरडीओ की स्थापना प्रतिष्ठानों और प्रयोगशालाओं के छोटे छोटे संगठन के द्वारा हुई थी, परंतु आज वर्तमान में 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में कार्यरत है। डीआरडीओ का उद्देश्य भारत को वर्ल्ड क्लास विज्ञान और तकनीकी का मजबूत आधार प्रदान करना है और साथ ही भारत को डिफेंस के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाना है। भारत में बहुत से युवाएं रक्षा के क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इन सब की जानकारी नहीं होती। तो चलिए हम आपको बताते हैं डीआरडीओ में भर्ती कैसे ले और डीआरडीओ में भर्ती के लिए योग्यता क्या क्या होती है। दोस्तों इसमें योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ साइंस, मैथ्स, फिजियोलॉजी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य होता है। डीआरडीओ में काम करने के इच्छुक व्यक्ति को सीईटी, सीईपीटीएम, सेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डीआरडीओ भारत की रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और डेवलपमेंट में लगातार कार्य कर रहा है। यह जल, थल और वायु सेवाओं को विश्व स्तरीय वेपन सिस्टम यानी कि हथियार प्रणाली उपलब्ध कर रहा है और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। 1960 में डीआरडीओ ने भारत की अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल सहित कई मिसाइलों को विकसित करने की योजनाएं दी, जिससे हमारे देश की शक्ति और गौरव और भी बढ़ी। अब चलिए जानते हैं डीआरडीओ का इतिहास। दोस्तों डीआरडीओ काफी पुराना है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए की गई थी और तब भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान के तकनीकी विभाग के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यह संस्था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ई सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रपति भवन के निकट है। भारत सरकार के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, जो सामान्य अनुसंधान और विकास के निदेशक तथा रक्षा अनुसंधान और विकास के सचिव होते हैं, उसी के द्वारा इस संगठन का नेतृत्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी हो एवं पसंद आई हो, क्योंकि यह जानकारी काफी हटके है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इनके बारे में नहीं जानते। और साथ ही आपसे निवेदन है कि ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। यदि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।